ऑर्डर 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 ना, तो वहाँ पर आर मत बोलिएगा, ऑर्डर ऑर्डर मीन्स गंध। अब वो गंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, केवल गंध, ये केवल गंध है जिसको हम कहते हैं महक। महक अच्छी भी होती है और ख़राब महक भी आती है। सीन है क्लासरूम का, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छे बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो मास्टर जी एक बच्चे को खड़ा किए, ए सोनू खड़ा हो जा। सोनू खड़ा हो गया। जी सर। अच्छा ये बता, कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चा अपना खड़ा हो रहा है। मास्टर जी फिर पूछे, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, बता कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चे की तरफ से कोई जवाब नहीं। तो मास्टर जी अफलातून हो गए, गुस्सा गए और बिगड़ते हुए बच्चे से बोले, चल खड़ा हो जा बेंच पर, खड़ा हो जा बेंच पर। बच्चा बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद न्यू चारों तरफ ऐसे देखा और फिर बड़े ही सहज भाव से मास्टर जी से कहा, सर कुतुब मीनार तो यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो ये थे बच्चे का सामान्य बोध। उसे खड़ा किया गया बेंच पर दंड के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर, और बच्चा समझ बैठा कि बेंच पर खड़ा होकर मुझे कुतुब मीनार दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और है कि मास्टर जी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, श्यामपट पे लिख दिए थे, बच्चों ये ऊपर पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, इतिहास। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ लिख लो। तो मास्टर जी यहाँ पर प्रश्न लिखे, ताजमहल कहाँ है क्वेश्चन मार्क। हाँ सब बच्चों उतार लो, ताजमहल कहाँ है, सभी लिखो। हे बैठा कहाँ है, लिखो जल्दी लिखो, इतना समय नहीं हमारे पास, अभी हमको बहुत क्लास में जाना है। बदतमीज बेहूदा कहीं क्या। हाँ आंसर लिखो, ताजमहल दिल्ली में है, पूर्ण विराम, उतार लो। तर जल्दी। इतने में एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, थोड़ा ढीठ स्वभाव का था, ही वॉज अ लिटिल बिट स्टबर्न, STUBBORN स्टबर्न, हठी ढीठ, खड़ा हो गया, बोला सर जी उत्तरवा दिल्ली लिखवा गलत तब का रे मास्टर तू है कि हम? अब बोलो गुरु जी आप हैं, बोला तब ज़्यादा तू जानता कि हम? बोले गुरु जी आप ज़्यादा जानते हैं, बोला तब इस सही है कि गलत है ये? उन्होंने गुरु जी से आप लिखें तो सही ही होगा सर, जबरदस्त लिख, गुरु जी लिख रहे हैं, लिखना शुरू कर दिए। फिर एक लड़का सुने का, लेकिन गुरु जी वो आप गलत लिखवा रहे हैं गुरु जी। फिर अभी एक को डांटा, तू फिर का तू गलत, तू मेरा वाक्य गलत बोलेगा, चिल्ला चिल्ली होने लगा। इतने प्रिंसिपल साहब बगल से कमर के उस कॉरिडोर से बरामदे से गुजर रहे थे, वो आवाज़ सुनाई दिए, थोड़ा आगे बढ़े प्रिंसिपल साहब आवाज़ सुनाई दिए, फिर पीछे आए कमरे में झांके, बोला शोरगुल हो रहा है। बोला अरे तिवारी जी ये आपके कमरे में शोर कहाँ हो रहा है? तो
बाहर गुरुजी बाहर निकल कर बोला अरे कुछ नहीं सर जी, हम प्रश्नोत्तर लिखवाए हैं इतिहास का, तो उसी बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। बोला कहे शोरगुल किस बात के कर रहे हैं, अब देखे ना हम लिख दिए हैं, देखे पढ़ लीजिए आप। हाँ देखे, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल दिल्ली में। अरे गुरुजी ही आइए, बाहर आइए बाहर आइए, कहाँ लिखे हैं आप। बोला सर लिखा तो सर ताजमहल दिल्ली में है। बोला सही, हाँ सर। अरे कहा गुरु जी आप गलत पढ़ा रहे हैं, ताजमहल आगरा में है ना, अब आप दिल्ली में लिखवाए हैं, गलत बच्चों को लिखाएंगे तो गलत बच्चे पढ़ेंगे, गलत लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे ना। सर बोले ए गुरुवर, 6 महीना से वेतन नहीं मिला है, है ना जी। अब 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, है जी, तो ताजमहल तो दिल्ली में रहेगा ना, आप हमारा वेतन दे दीजिए 6 महीने का, हम ताजमहल को उठा के आगरा में कर देते हैं। और जब तक हमारा वेतन, हम बता दे रहे हैं, और जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा ताजमहल दिल्ली में रहेगा, हम बता देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ओके चाओ।